हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म की सेकेंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने सॉल्व किए थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन, हमने देखा था लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी। ओके, अब आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी। ई मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर ए जो है वो कोई भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी, फाइन। तो ये फंक्शन हमारा टी डोमेन में है और हमने क्या करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन टी का करना है और हमने जाना है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारा फंक्शन आ जाता है इस डोमेन में जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ई रेस टू ए टी का होता है वन डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। तो ये ए कहाँ से, ए जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ए जो ई टू द पावर ए टी है वो ए यहाँ पर इस ए वैल्यू से हमने एस को शिफ्ट किया है। ओके, अब इस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे करते हैं, सपोज हमारा कोई फंक्शन है जो कि एफ टी है। एफ टी है मतलब ये टाइम डोमेन में फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन एफ टी मल्टीप्लाइड है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अगर हमने मल्टीप्लाई करा हुआ है और इस प्रोडक्ट का अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें, तो सिंस हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो हम लोग आ जाते हैं इस डोमेन में। तो हमारा फंक्शन इस डोमेन में रहेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहेगा, मगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से हमारी ये फ्रीक्वेंसी, हमारा ये वेरिएबल एस शिफ्ट हो जाता है ए से। तो बिकॉज ऑफ ये शिफ्टिंग, एस की शिफ्टिंग ए से, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। ओके, इसे हम लोग और अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझेंगे। तो आज के क्वेश्चन सेट के लिए, क्वेश्चन सेट वन हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्वेश्चन सेट टू में हम लोग इन चार क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फंक्शन जो कि टी डोमेन में है, हमारे टू टर्म्स हैं इन फंक्शन में। सो थ्री इंटू ई रेस टू टू टी प्लस फाइव इंटू ई रेस टू माइनस थ्री टी। ओके, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी, फिर हमने थ्री को, हमने सिंस ये कांस्टेंट है इजी कैलकुलेशन के लिए हमने इसे बाहर निकाल लिया, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है ई रेस टू टू टी। सिमिलरली सेकेंड टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइव को हमने बाहर निकाला और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ये फंक्शन, फंक्शन क्या है, ई रेस टू माइनस थ्री टी। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, हम जानते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी होता है वन, न्यूमरेटर में वन रहता है, वन डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। तो इसी वजह से थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, ए क्या है, ए हमारा टू है। ओके, सेकेंड टर्म में हमने क्या किया, फाइव इंटू वन डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, यहाँ हमारा ए सेकेंड टर्म में हमारा ए माइनस थ्री है, इस वजह से एस माइनस ऑफ माइनस थ्री हो जाएगा एस प्लस थ्री, सो फाइव बाई एस प्लस थ्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा फंक्शन जो टाइम डोमेन में है वो ई टू द पावर माइनस टू टी, ये मल्टीप्लाई किया गया है इन दो टर्म्स में। पहला टर्म है फोर इंटू कॉस फाइव टी, दूसरा टर्म है थ्री इंटू साइन फाइव टी। तो हमने यहाँ पर अब क्या किया है, हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी, और इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं, हमने सिंपली रीअरेंज किया है, सेपरेट किया है इन दो टर्म्स को, और इस ई रेस टू माइनस टू टी को सेपरेटली हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर फोर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, लैपलेस ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी इंटू कॉस फाइव टी प्लस थ्री इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी इंटू साइन फाइव टी। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब आप किसी फंक्शन टी के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को
मल्टीप्लाइड देखें तो इसका मतलब है हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करने के टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि पहले e रेस टू ए टी जहाँ भी लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं। हम लोग नाम दे सकते हैं e एट एंड। ओके, e एट एंड का क्या मतलब है ये हम लोग समझेंगे। हम अभी हमने लिख दिया e एट एंड, मतलब e रेस टू ए टी जो है उसे हम लोग थोड़ी बाद में देखने वाले हैं। पहले उसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है, cos 5t यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है आप फाइंड आउट करिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t। ओके, दिस इज cos 5t। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? हमने कहा है कि e at end हम लोग देखने वाले हैं, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t क्या होता है? अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने देखा था, डिनोमिनेटर है s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, न्यूमिनेटर एस होगा या ओमेगा होगा, कॉस के केस में एस होता है, और ओमेगा क्या है? जो भी फाइव के साथ, जो भी टी के साथ मल्टीप्लाइड है वो हमारा ओमेगा होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ओमेगा रहेगा, यहाँ हो जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, क्योंकि मेरा ओमेगा फाइव है। फाइन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस फाइव टी निकाल लिया। सेकेंड में हमें क्या करना है? अगर हम सेकेंड स्टेप में आते हैं तो इसमें जब हमने कहा था e at end, मतलब हमें अब e की प्रॉपर्टी को जानना है। e की प्रॉपर्टी क्या है? आप जब फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर आ गए हैं तो बस जहां भी आपने s देखा है उसे आप शिफ्ट कर दें a से। a क्या है? e टू द पावर 18, ये हमारा ये वाला a है। तो हमारा सेकेंड स्टेप में क्या होगा? हमारा ये आंसर फर्स्ट स्टेप का है, हमें s दिख रहा है, जहां भी s है उसे आप शिफ्ट करें a से, s माइनस a। मेरा a क्या है? a है माइनस टू, सो s माइनस ऑफ माइनस टू, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? s अगेन, हमने s देखा, s को हमें शिफ्ट कर देना है a से, s माइनस a। a क्या है? माइनस टू, s ऑफ माइनस ऑफ माइनस टू, फिर s की स्क्वायर लगी हुई है, ठीक है। s के ऊपर में हमने स्क्वायर बना दिया प्लस फाइव स्क्वायर, तो इस वजह से s प्लस टू, फोर हमारा मल्टीप्लाइड है यहाँ, s प्लस टू डिवाइडेड बाई s प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 25 लिखा है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के फंक्शन में कंफ्यूज होते देखा है कि समटाइम्स आप क्या कर, अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि जब हमारे e और f t दोनों है, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस टू टी हमने निकालना है और मल्टीप्लाई करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5 t के। तो ये दिस इज नॉट करेक्ट वे, ऐसा हमें नहीं करना है, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट वे। इसके लिए हमें अगर ये इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखें आप e को समझ लें, e एट एंड करना है, मतलब पहले हमें सिर्फ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t निकालना है, और जो भी वैल्यू आ गई हमारी s डोमेन में उसे हमने जहां भी s देखा है उसे बस शिफ्ट कर देना है a से। ओके, अगर और दूसरा कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, s प्लस टू आपने लिख लिया, क्यों? क्योंकि s में आपने माइनस s को आपने s माइनस ऑफ माइनस टू किया है। अच्छा, डिनोमिनेटर पार्ट में अगर हमारा cos का डिनोमिनेटर होता है s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, s जो है आपको s स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस टू, मतलब s स्क्वायर प्लस टू नहीं लिखना है, s स्क्वायर प्लस टू नहीं लिखना है, आपको लिखना है जो s है उसको पहले आप शिफ्ट करिए और उसके बाद में उसको स्क्वायर लगाइए, और प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है मेरा? जो भी कांस्टेंट होता है cos के साथ में, cos का cos t के साथ में जो भी मेरा कांस्टेंट है, तो 5 स्क्वायर, ये 25 होगा। तो इस वजह से ये s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 होगा, न कि s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 25, ये हमारा गलत है। जो s है इसको पहले शिफ्ट करना है और उसके बाद स्क्वायर लगाना है, ठीक है। और जब हम लोग सेकेंड टर्म देखेंगे यहाँ भी वही काम हो रहा है। अब हमने यहाँ क्या करना है, थ्री को हमने बाहर निकाल दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन जो एफ टी है e एट एंड हम लोग करने वाले हैं। फंक्शन है मेरा साइन फाइव टी, इसे हम लोग
लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने लगते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर हमारा होता है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मेरा 5 है मतलब 5 स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में एस नहीं होगा, न्यूमरेटर में ओमेगा होगा, ओमेगा मतलब 5। तो इस वजह से हमने यहाँ 15 लिखा है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। सिमिलरली एस स्क्वायर को अब आपको ई का काम शुरू करना है, तो एस को आपको शिफ्ट करना है ए से, एस माइनस ए, मेरा ए क्या है, ए है माइनस 2, एस माइनस माइनस 2, और तब इसका स्क्वायर लगाना है और तब 25 लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखें तो बेटर होगा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ मेरा a क्या है, a है 1, b क्या है, b है e raise to 3t। ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 into e raise to 3t प्लस बी स्क्वायर e raise to 3t होल स्क्वायर। ये आपको पता भी होगा लेकिन एक ब्रशअप हो जाएगा, हमें e raise to 3t का होल स्क्वायर जब करते हैं मतलब हमें क्या करना है, e raise to 3t को 2 टाइम्स हमें इसे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ क्यूब रहता तो एक और बार हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते। जब भी हमारा बेस सेम होता है, यहाँ बेस क्या है, ई है, जब भी बेस सेम होता है तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर ऐड हो जाता है, इस वजह से हो जाएगा आपका e raise to 60। फाइन, अब हमने इस चीज को यहाँ लिख लिया। फाइनली हमने लिखना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 फर्स्ट टर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 को हमने बाहर निकाल लिया e raise to 3t, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e raise to 60। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में देखा था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1/s, और हमने पिछली क्लास में कहा था कि ये इस वजह से होता है कि टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन होता है फैक्टोरियल एन बाई एस टू दी पावर एन प्लस 1। अगर हमने n को 0 डाल दिया है, t टू दी पावर 0 का अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू दी पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। किसी का भी पावर 0 हमें क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। तो 1 इक्वल्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स 1/s। इस क्लास में सेम आंसर हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हम जाने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e raise to 80 होता है 1/s - a। अब हमें सिंपली a को पुट कर देना है 0, e raise to 0 t क्या हो जाएगा, 1/s - 0, और किसी का भी पावर 0 जो हो जाता है वो 1 बना देता है, ठीक है ना। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा, 1/s। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, लेकिन हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हम सिंपली याद कर सकते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो होता है वो कुछ भी नहीं है, वो आपका 1/s है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने कर लिया। अब अगर आप सेकेंड टर्म को देखते हैं तो सेकेंड टर्म में हमारा आता है 2 into लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e raise to 3t, दैट मीन्स into 1/s - a। a क्या है, 3 है, तो s - 3, सिमिलरली 1/s - 6। फाइन, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि ये आप होमवर्क ले सकते हैं, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन के ही जैसा है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी। अगेन जब भी हमने देखा कि e raise to 80 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी फंक्शन टी के साथ में, फंक्शन टी में साइन कॉस टी कुछ भी आ सकता है, अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, डायरेक्टली हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, e at end, मतलब हमें e को थोड़ा सा असाइड कर लीजिए, आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब निकालिए। सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई s टू दी पावर 3 प्लस 1, मतलब 3 into 2, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 6/s⁴। ये आपका आ जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब होगा 6/s⁴। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप में अब आप आ जाइए कि e क्या क्या करना है,
तो हमारा ए जो है वो 2 है, करेक्ट ना? ए हमारा 2 है, ई टू द पावर ए टी, ए हमारा 2 है। सेकेंड स्टेप में कुछ भी नहीं करना, आपने जहां भी एस देखा है एस को शिफ्ट करिए ए से, एस माइनस ए, ए हमारा 2 है, एस माइनस 2 टू द पावर 4। अगेन आप ये मिस्टेक कभी नहीं करिए कि एस टू द पावर 4 माइनस 2 लिखना है, नहीं, एस को पहले शिफ्ट करना है, उसके बाद जो भी किया हुआ है, अगर वो पावर 4 है, 6 है, कुछ भी है, उसे हमें लेना देना नहीं है, उस पर हमने सिंपली पावर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया, ई एट एंड, सबसे पहले हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी निकालेंगे, टी है मतलब एन मेरा 1 है, करेक्ट ना? टी रेस टू 1 जो होता है वो हमारा टी आता है, मतलब फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर 1 प्लस 1, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1 बाई एस टू दी पावर 2। सिमिलरली फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप आए ई पर, यहाँ हमारा ए क्या है, ए माइनस 1 है, तो आपको क्या लिखना है, एस 2 बाई, पहले आप शिफ्ट करें एस को, एस माइनस ए, ए हमारा माइनस 1 है, एस माइनस ऑफ माइनस 1, और तब इस पर पावर लगाएं, तो इस वजह से ये आपका आ गया 2 बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी पर। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।